Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉडी अपटन की रेसिपी, जिसे यूज करने से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी और विंटर्स में ये आपकी स्किन को अच्छे से नरिश भी रखेगा। काफी अच्छे से ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। और अगर आपको इस तरह से इसे यूज करना पसंद है तो आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे आप इसे समर्स में यूज कीजिए या फिर आप इसे विंटर्स में यूज कीजिए, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बेसन लिया हुआ है। ये घर पर जो हम खाने के लिए बेसन यूज करते हैं वही बेसन मैंने यहाँ पर यूज किया है, और लगभग 2 चम्मच बेसन मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 चम्मच गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। जो ये गेहूं का आटा आता है वो स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और बेसन भी हमारी स्किन को काफी अच्छे से लाइटन एंड ब्राइटन करने में हेल्प करता है, डार्कनेस को भी कम करने में हेल्प करता है। देन मैंने यहाँ पर यूज की है ये मसूर दाल का पाउडर। ये जो है मैंने थोड़ा सा मोटा पीस के लिया है ताकि ये हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट भी करे जब हम इसे रब करेंगे। तो ये भी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है और ये आपकी स्किन के डार्कनेस को अच्छे से रिमूव करता है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है ये रोज पेटल पाउडर, जो कि आप घर पर भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसे एल्फ गुडनेस ब्रांड का बाय किया हुआ है और मैं हमेशा इसे ही यूज करती हूँ। मैं पहले भी आपके साथ काफी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये भी यहाँ पर 1 चम्मच पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ ये सैंडलवुड पाउडर, जो कि बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी मैं यहाँ पर 1 चम्मच यूज कर रही हूँ और ये भी मैंने एल्फ गुडनेस ब्रांड का ही लिया हुआ है। मेरे पास काफी सारे पाउडर्स एल्फ गुडनेस ब्रांड के हैं जो कि काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे इनके मिले हैं। ये जो पाउडर्स हैं वो सन ड्राइड बनाए जाते हैं, इन्हें डायरेक्टली धूप में सुखा के फिर इनका पाउडर बनाया जाता है। और जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि इन पाउडर्स में आपको कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलेगा, नेचुरल कलर आपको मिलने वाला है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज की है ये अम्बा हल्दी, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक। और अगर आप किचन वाली हल्दी यूज करना चाहते हैं तो आपको थोड़े कम अमाउंट में ऐड करनी होगी। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि जो किचन वाली हल्दी होती है उसमें कलर भी होता है और वो ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यही वाली हल्दी यूज कीजिए, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके आप किसी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसका यूज करने का तरीका भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ये पाउडर लिया है जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है। इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है या फिर आप इसे यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच दूध और मलाई। तो यहाँ पर मैंने ये 2 से 3 चम्मच ऐड कर दिया है और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करके इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो पेस्ट हमें बनाना है वो बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, जिस तरह से मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो अभी ये मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच मलाई और दूध और ऐड करने वाली हूँ। तो ये लगभग मैंने यहाँ पर 3 से 3.5 चम्मच दूध और मलाई मिक्स किया है इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स करके इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो बस इसे अच्छे से हमें लम्प फ्री पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसे लगाना है और किस तरह से इसे हटाना है। तो बस इस तरह से आपको ये पेस्ट लेना है और अपने हैंड और लेग्स पर आपको इसे अप्लाई कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ उसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। आप इसे फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस इस तरह से अप्लाई करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो 10 मिनट बाद ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल और मलाई मिक्स की है। तो बस इस तरह से जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसे इस तरह से मसलते हुए अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो बस इस तरह से 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से रिमूव करना है, अच्छे से मसलते रहना है। ऐसा करने से जो डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो मसूर दाल के पैक हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है। और उसके बाद इसे हमें नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो भी रिजल्ट्स आपके सामने हैं वो विजिबल हैं, और दोनों हाथों में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। तो
तो इस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो विजिबल है ही। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।